तो भाई सामने आपकी खड़ी है जावा बोवर 42 भाई ईरज का की। तो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे यानी कि मास्टरमाइंड ब्लॉक्स ऑफिशियल में। और आज हम बात करने वाले हैं इस पेरा का जो है बड़ा भाई यानी कि भाई जावा बोवर 42 जो कि अभी राउकला में आ चुकी है। और अभी हम आए हुए हैं भाई एसडी शोरूम जहां पे आपको जावा की प्लस आपको एसडी की बाइक आपको मिलने वाली है। इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में अगर आप चाहते हो इस बाइक को लेने के लिए, ठीक है ना। तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेरक से पूरी इंस्पायर्ड डिजाइन, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। प्लस प्रीमियम टाइप की बाइक यहाँ पे आपको अभी ऑफर कर रही है जावा। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे राउंड शेप की एलईडी की हेडलाइट यानी कि आप सबको सब कुछ मिलने वाला है एलईडी के सेटअप के साथ। और अगर इसको मैं एक बार स्टार्ट करूँ ना तो पहले इसका की, ये रहा इसका की, और साइड से इसका जो इग्निशन आप ऑन कर सकते हो यहाँ पे, और इसका जो साइड लॉक भाई यहाँ पे है देखिए, तो यहाँ से आप बाइक को जो है लॉक कर सकते हो। और साइड में इसका इग्निशन आपको यहाँ पे दी जा रही है, तो इसको ऑन करके आपको दिखा दूँ इसका एलईडी का सेटअप कैसा क्या लगता है भाई। तो साउंड आपने सुना, तो जब आप ऑन करते हो इसमें डीआरएल तो आपको नहीं मिलता, लेकिन एक एलईडी लाइट यहाँ पे जल जाती है। जैसे कि आप देखो इसके नीचे पार्टीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 42 जावा का जो ट्रेंडिंग टाइप की है ना लीगेसी एक आप बोल सकते हो, तो वो ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। प्लस क्रोम की यहाँ पे सराउंडिंग इसके हेडलाइट के ऊपर आपको मिल जा रहा है। बाकी भाई एलईडी की इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको हैजर्ड का भी फंक्शन मिलने वाली है। और ये रहा इसका भाई सस्पेंशन का पार्ट, हाइड्रोलिक फोर के सस्पेंशन जो कि आपको यहाँ पे ऑफर करती है जावा। और डुअल चैनल एबीएस, फ्रंट में डिस्क, रियर में डिस्क। और मैं आपको ये भी बता दूं भाई ये गाड़ी आपको तीन कलर ऑप्शन के साथ मिलता है। और इसका जो एक्सरूम जो प्राइस वो आपको आ जाएगी 212,000 की। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है जैस्पर रेड कलर की यानी कि डुअल टोन भाई, डुअल टोन है। देखिए इसका जो टैंक का पार्ट है ना आपको डुअल टोन मिल रहा है यानी कि व्हाइट एंड रेड कलर में, ठीक है ना। और जैसे कि मैं बता रहा था इसका सस्पेंशन, उसके बाद बात करते हैं इसके टायर की भाई। यहाँ पे आपको पैरक जैसे आपको मिलने वाली यानी कि 100, 90 और 18 इंच की स्पोक व्हील यानी कि भाई जो रेट्रो लुक है ना वो भी आपको देखने चाहिएगी बाइक को। बाकी रहा इसका बड़ा सा रेडिएटर का पार्ट यानी कि आपको लिक्विड कूलिंग आपको मिलने वाली है इस बाइक में। पेरक जैसे ही आपको मिलता है सब कुछ यानी कि जो इंजन स्पेसिफिकेशन है ना सेम पावर डिलीवर करती है, सेम टॉर्क आपको मिलने वाली है यानी कि तो 30.5 BHP की पावर निकालती है, 32 NM का इसका टॉर्क है। माइलेज आपको मिलती है भाई 30 का मान के चलो, कंपनी वही क्लेम करती है, इतना ज़्यादा माइलेज तो भाई नहीं देगी गाड़ी, तो उसी हिसाब देख लेना। बाकी क्रोम की यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको मिल जाती है भाई, देखिए इंजन का जो पार्ट है। और सबसे मेन हाईलाइट इस बाइक की वो है इसका साइड लुक, देखिए प्रॉपर बोवर है कि नहीं भाई, देखिए बोवर 42 का यहाँ पे ब्रांडिंग आपको मिल जा रही है। और इसका जो आप देख पा रहे हो ना डुअल एग्जॉस्ट वो काफ़ी हद तक इस गाड़ी को और भी लुक के हिसाब से एनहांसिंग आपको बना देती है। काफ़ी देखिए सिंपल रखा गया है लेकिन जो लुक है ना काफ़ी जो निखर के आ रही है। क्रोम की यहाँ पे आपको मिल जाती है इसके ऊपर ट्रीटमेंट एंड डुअल एग्जॉस्ट यानी कि आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट मिल रहा है एंड उस साइड में भी आपको एग्जॉस्ट दी जा रही है भाई। ये रही देखिए, साउंड भी जरूर सुना होगा, बस आप वीडियो के ऊपर एंड तक जरूर देखना। और सीट आपको मिलता है सिंगल राइडर, जैसे कि आपको पता ही होगा पेरक में आपको जो मिलता है वही है सिंगल राइडर है, लेकिन ये जो सीट आपको मिलेगी ये मिलेगी आपको एडजस्टेबल यानी कि आप थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो भाई इसके सीट को जो आगे पीछे भी आप कर सकते हो ताकि आपको जो है सही जो है आपको पोस्चर मिले बाइक में। और ये रहा इसका 14 लीटर का फ्यूल टैंक भाई, काफ़ी मस्त लगती है 42 यहाँ पे स्टिकरिंग जैसे देख पा रहे हैं जावा की, यहाँ पे ब्रांडिंग आपको मिल जाती है एंड साइड टैंक पैडिंग आपको दीजिए जहाँ पे जावा यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं मस्त। बाकी जावा के यहाँ पे देखिए भाई जावा हर एक जगह में जो लिखा गया है यहाँ पे जावा, यहाँ पे जावा, यहाँ पे जावा, भाई बाइक भी ऐसी बनी है ना इसलिए यहाँ पे हर एक जगह में मेंशन कर दिया गया है जावा को यानी जो कि ब्रांड है। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे दी जा रही है, ये रही। और सीट का जो हाइट है वो आपको मिलेगी 750 mm की यानी कि जो लो हाइट के बंदे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी जो है रहने वाली है। अगर मेरे से बंदे अगर चलाएंगे
तो भाई उनके लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेना भाई, क्योंकि गाड़ी इतना मुझे लग रहा है बॉबर जो है एक काफ़ी अच्छी से सूट करेगी लो हाइट बंदों के लिए। और यहाँ पे इसके टैंक के ऊपर आपको मिलेगी क्रोम की, जैसे देख पा रहे हैं एक थोड़ा सा डिज़ाइन ज्वेल टाइप की आपको डिज़ाइन यहाँ पे दी जा रही है। और ये रहा इसका क्लस्टर जो कि आपको मिलती फुल्ली डिजिटल में, सिंगल डायल रखा गया है। इसको और एक बार शॉर्ट करके वो दिखा दूँ तो देखिए हाई लिख के यहाँ पर आपको पहले वेलकम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको ट्रिप है, ट्रिप भी स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टाइम, गियर स्पीड इंडिकेटर और साइड स्टेयर इंडिकेटर आपको यहाँ पे शो करेगी, प्लस न्यूट्रल हो गया यहाँ पे, एबीएस का लाइट यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये आपको मिलने वाले इसके डायल के ऊपर। और एक सबसे बड़ी बात आपको दिखा दूँ, इस बाइक में आपको मिलता है भाई देखिए ये रहा इसका चार्जिंग पोर्ट, एक नॉर्मल यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिलेगी एंड एक पर एक आपको यहाँ पे सी टाइप की चार्जिंग पोर्ट ऑफर करती है भाई, ये रहा देखिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, मोबाइल रख के चार्ज में ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर स्विचेस की बात करूं, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, सारा आपको यहाँ पे दी जा रही है सेटिंग के साथ, स्विचेस वगैरह, पास लगे स्विचेस, ये रहा हॉर्न, इंडिकेटर एंड राइट साइड में मिलेगी यहाँ पे इंजन किल स्विच, हैजर्ड का स्विच और ये रहा इसका सेल्फ स्विच। ओके, बार एंड मिरर आपको यहाँ पे दी जा रही है जो कि आपको गाड़ी के साथ आपको स्टॉक मिलने वाले, यानी कि आपको बाहर से कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कहते हैं इसको बंद। तो दोस्तों ये भाई है जावा की बोवर जो कि 42 जावा 42 है ना, तो पेरेक से इंस्पायर है गाड़ी पूरी तरह से। अभी देखा था इसके रियर टायर, तो भाई ये रहा इसका रियर टायर जिसके आप देख पा रहे हो। तो भाई साहब ये रहा इसका रियर टायर, यानी कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी टायर आपको मिलने वाली 140/70 and 17 inch की, आपको यहाँ पे स्पोक व्हील, रियर डिस्क जिसके आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और भाई मोनोशॉक की सस्पेंशन काफ़ी लंबी यहाँ पे रखी गई, यानी कि सस्पेंशन के हिसाब से राइडिंग जो है आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलने वाली है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, पैरेक में अगर आप देखोगे ना तो इसके सीट के नीचे आपको मिल जाती है इसके टेल लाइट, लेकिन यहाँ पे बोबर में 42 जो है इसमें आपको रियर टेल लाइट यहाँ पे रखा गया देखिए, और ये आपको सब कुछ LED के साथ को मिलता है। ये रहा इसका रिफ्लेक्टर, LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर्स, ठीक है ना। तो अभी सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट का साउंड जो कि भाई देखने लायक, आई मीन सुनने लायक है। तो भाई साहब कैसा लगा इसका एग्जॉस्ट साउंड, है ना काफ़ी ज़बरदस्त, नहीं मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। और आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा बोवर का जो है एग्जॉस्ट का साउंड है। बाकी ये रहा इसका भाई ब्रेक पेडल, और साइड में यहाँ पे आपको दीजिए एक गार्ड ताकि आपका जो पैर है इंजन के साथ टच ना हो, और सब कुछ आपको मिलता है रबर पैडिंग के साथ। और इस गाड़ी में आपको 6 speed यानी कि 6 gear आपको मिल रही है जो कि पेडल आपको यहाँ पर दी जा रही है। शॉर्ट यहाँ पे रखा गया इसका साइड स्टैंड, जिसका आप लोगों को पता ही होगा कि बोबर जैसी बाइक को शॉर्ट स्टैंड ही आपको यहाँ पे दी जा रही है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये रही ठीक है ना। तो भाई इसका जो फ्रंट मडगार्ड है ना, ये आपको मिलता है मेटल में देखिए, ये है मेटल के पार्ट में। और इसका जो रियर यहाँ पे देख पा रहे हैं ये भी है मेटल के पार्ट में। तो ये गाड़ी का जो कर्व वेट है वो है भाई 175 kg का, जो कि मेरे हिसाब से सही है, इतनी भी ज़्यादा नहीं है, इतनी कम भी नहीं है, आराम से हैंडल कर सकते हैं, यानी कि आपका जो फुट है ना आराम से पहुंचाएगी ग्राउंड में, तो आराम से आप इसको हैंडल कर सकते हो। तो भाई हो चुकी हैं सारी बातें इस, आई मीन जो है एक अलग सेगमेंट की बाइक, मेरे को इसे लगता है कि एक अलग सेगमेंट की बाइक है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इसके ऑनरोड प्राइस की, कितना क्या आता है इसका ऑनरोड जो प्राइस है। तो दोस्तों अभी बात आती है इसका ऑनरोड प्राइसिंग की, तो इसका जो ऑनरोड जो प्राइस है राउरकेला की भाई वो है 2.49 lakh की। तो ये गाड़ी आपको 2.49 lakh में आपको मिल जाएगी राउरकेला में। और जैसे कि मैंने आपको इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहते हो इस बाइक को लेने के लिए तो भाई कॉन्टैक्ट कीजिए, राउरकेला शोरूम यानी कि SD एंड जावा दोनों आपको मिलेगी यहाँ पे, कोई भी बाइक लीजिए सबसे बेहतर आपको यही मिलने वाली, क्योंकि एक अलग टाइप की लेगेसी की जो है यहाँ पे ब्रांडिंग आप देख पा रहे हैं जावा प्लस SD का। तो दोस्तों ये था इसका वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा भाई, मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।